गाइस, मैं हूँ सोनिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ आपके साथ लेडीज टॉपिक। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों का एक बहुत ये नहीं कहूंगी कि अननोन सी चीज बताने वाली हूँ आपको, बहुत अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं, क्योंकि आजकल हर एक चैनल पे, यूट्यूब के हर एक चैनल पे, हर चैनल पे एक वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा जो टॉपिक मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मैं करने वाली हूँ आज आप लोगों के साथ शेयर मेंस्ट्रुअल कप। जी हाँ, जो कि मैं बहुत टाइम से यूज करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, कभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोगों को सुना इसको यूज करते हुए, इसके बारे में बताते हुए, तो मैंने सोचा और मैंने यहाँ पे मंगवाया अपने लिए एवरटीन का ये मेंस्ट्रुअल कप, जो कि मैंने मंगवाया लार्ज साइज में। दो साइजेस में आता है ये, स्मॉल और लार्ज, सेम ब्रांड में। अगर आप किसी और ब्रांड में देखते हैं तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, शायद तीन साइज आते हैं, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूं, बट इसमें दो साइज आते हैं, स्मॉल और लार्ज, तो मैंने लार्ज मंगवाया अपने लिए। अगर आप अनमैरिड हैं या फिर टीनेजर हैं और आपको लगता है कि यार तो अपने लिए आप स्मॉल ऑर्डर करिए और वो आप यूज करिएगा, वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का, मैं ये मेंस्ट्रुअल कप के बारे में जो आपको बहुत लाजवाब इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ना, शायद कहीं और आपने नहीं सुनी होगी और कहीं और आपको देखने को सुनने को मिलेगी ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कप सूर्या के चैनल पे बहुत सारे लेडीज टॉपिक के ऊपर, चाहे वो पीरियड्स हैक्स हो या फिर पीरियड के बारे में हो, इंटीमेट हाइजीन के बारे में हो या फिर वाइट डिस्चार्ज के बारे में हो, हर तरह की वीडियो मिलती है, लेकिन अभी तक मेंस्ट्रुअल कप के बारे में नहीं बताया। रीजन ये था कि मैंने कभी मेंस्ट्रुअल कप ट्राई ही नहीं किया था। जब ट्राई नहीं किया तो फिर क्या बताऊंगी, है ना। लेकिन आज वो इतना फेमस है इंटरनेट पे, हर एक दूसरा इंसान बात करता रहता है इस बारे में, तो मैंने कहा मैं क्यों इस चीज से छूत रह जाऊं, मैं भी करूंगी, मैं भी एटलीस्ट बात करने के लिए आपको दो तीन बार तो इसे ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दिनों मैं कर रही हूँ वेट लूज, आप सभी को पता है, और मैं जाती हूँ जिम। जिम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मैं जब पीरियड्स टाइम में मैं एक्सरसाइज करती थी, तो जब अपने आप लेग्स को स्प्लिट करते हो या फिर कुछ भी ऐसा करते हो एक्सरसाइज करने के दौरान पे, तो आप अगर पीरियड टाइम पे, तो वो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है आपको कि यार ये कहीं मेरे कपड़ों पे दाग तो नहीं लग रहा है कहीं, आप बार बार ऐसे ऐसे चेक करते रहते हो, देखते रहते हो। तो उस वाली प्रॉब्लम से मैं बिल्कुल निजात पाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा मैं यूज करूंगी मेंस्ट्रुअल कप। जी हाँ, तो इसे यूज करने का तरीका क्या है, यूज करने से क्या फायदे हैं, क्या जो आज तक आप लोगों ने वीडियो देखी है यूट्यूब पे, क्या वही सच है, वैसे ही सब कुछ होता है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, और मैं हर उस लड़की के लिए बताने वाली हूँ जो ये सोचती है कि जो ये लोग बता रहे हैं सब कुछ वैसा ही होता है। तो वो सारे डाउट्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। चलो आज का हमें अपना ये स्पेशल वीडियो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको वजाइनल का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज ये होती है कि आपको लॉन्ग टर्म अगर आप सैनिटरी पैड या कोई कपड़ा यूज कर रहे हैं तो उससे बीमारियां होती हैं, वो बीमारी नहीं होगी आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के साथ। बहुत अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग जो होती है वो भी नहीं होगी, जो स्मेल आती है आपके पीरियड से आपको लगता है, बट एक्चुअली वो पीरियड नहीं, वो कपड़े के अंदर जब आपका ब्लड जाता है या सैनिटरी पैड के अंदर ब्लड जाता है, और जब वो काफी टाइम तक वैसे ही लगा रहता है, जेल फॉर्म में आ जाता है, तो वो उसकी बदबू होती है, ना कि पीरियड्स की होती है, तो वो वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है आपको। और डिसकंफर्टेबल वाला जो इशू है ना, वो बिल्कुल खत्म होने, उससे निजात मिलने वाली है आपको, इतने सारे फायदे होने वाले हैं। उसके साथ साथ इसको ना ही आपको कहीं जलाना होता है, ना ही फेंकना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट ब्लड आपको अपने पॉट में डालना होता है, उसे फ्लश कर देना होता है। तो इससे ये जो सैनिटरी पैड और कपड़े जो हम यूज करते हैं बाद में, हम उसे फेंक देते हैं, उसको कोई और यूज तो होता नहीं है उसका, या तो अगर फेंका जाएगा उसे बाहर कहीं पे तो उससे बीमारियां फैलेंगी, और अगर जलाया जाएगा तो उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होगा उससे भी बीमारियां फैलेंगी। नुकसान से आप बच सकते हैं अगर आप यूज करते हैं सैनिटरी पैड की जगह पे मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप आपको मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आकार प्रकार के मिलते हैं। मैं कैसे बताती हूँ आपको, एक दो मेंस्ट्रुअल कप होंगे जो कि बहुत सॉफ्ट मिलेंगे और एक दो थोड़े से हार्ड मिलते हैं। तो सॉफ्ट वाले जो हैं, जो लड़कियां हमारे
हमारे घर में रहती हैं, हम हाउस वाइफ हैं जो ज्यादा काम बाहर का उछल कूद वाला काम जो है वो नहीं करते हैं, अगर तो अगर आप सॉफ्ट वाला मेंस्ट्रुअल कप यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं, जिम कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, उछल कूद करते हैं, तो आपके लिए अगर आप हार्ड स्पोर्ट्स पर्सन है बेसिकली, या फिर कुछ भी ऐसा उछल कूद वाला जैसा काम है आपका कोई भी, तो आप अगर हार्ड मेंस्ट्रुअल कप यूज करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा रहेगा। और अगर हम घर में, जैसे कि मैं हूं, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं सॉफ्ट यूज करूंगी तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थोड़ा सॉफ्ट है और इससे एक हार्ड भी आता है। मेंस्ट्रुअल कप आपको मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के मिलेंगे, 300, 350, 400, 500, 550, अलग अलग रेट में मिलेंगे। मैंने लिया है यहाँ पे एवर्टीन का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है एवर्टीन का लिया है, उसका प्राइस है 455 रुपए जी, 455 रुपीज। तो मुझे ये अच्छा लगा, मेरे लिए सही था ये, तो मैंने ये ब्रांड चूज किया। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे उस प्राइस का ले सकते हैं, वो आपके बजट के ऊपर है, लेकिन अगर आप थोड़े से अच्छे प्राइस का लेंगे तो हो सकता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो। मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने का एक फायदा और मैं आपको बता दूं, इसको यूज करने का ये बात है कि आपका पैसा जो है वो बहुत ज्यादा सेव होने वाला है, आपका टाइम बचने वाला है और डिसकंफर्टेबल से आप बचने वाले हो, वो तो मैंने आपको बताया ही। पैसा इसलिए बचने वाला है क्योंकि अगर हम एक सैनिटरी पैड शायद 100 या 150 रुपए का भी लाते हैं पर मंथ अगर, और उसको हम यूज करते हैं, मैं कह रही हूँ 1 या 2 महीने भी चल गया वो पैकेट आपका, फिर भी आप अगर 150 रुपए का पैकेट 2 महीने चला रहे हो और 450 की रेंज में आप मेंस्ट्रुअल कप लेके आते हैं और उसको आप 10 साल तक यूज कर रहे हो, तो आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए कि आप कितने पैसे सेव करने वाले हैं। और आप एक मेंस्ट्रुअल कप को 10 साल तक यूज कर सकते हैं, इसे आप 10 साल तक यूज कर सकते हैं, तो आपके बहुत सारे पैसे आज यहाँ पे सेव। मेंस्ट्रुअल कप को आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा, purple.com पे मिल जाएगा आपको, इनकी खुद की भी जो वेबसाइट्स होती है एवर्टीन वालों की वहां से भी ले सकते हैं आप, और मतलब बहुत जगह पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, तो आपको ये कहीं पे भी मिल जाएगा। ये टाइम है कि हम अब चेंज करें, अपनी मानसिकता को चेंज करें, अपनी धारणा विचारधारा जो है ना उसे ही बदल डालें, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है, हम सबको पता है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि बहुत एक्साइटेड थी मेंस्ट्रुअल कप को मैं यूज करने के लिए, बहुत कुछ सोचा हुआ था, बहुत सारे वीडियोस देख डाले मैंने यूट्यूब पे कि कैसे यूज करना है, ऐसे इंसर्ट करना है, वैसे इंसर्ट करना है, बट जब मैं इसे इंसर्ट करने के लिए अपनी बॉडी में गई तो मेरा कलेजा हाथ में आ गया। एक तो पेन, ऊपर से डर, तीसरी चीज कि मैं कर तो रही थी लेकिन हो नहीं रहा था, तो मैं बार बार वो वीडियोस खोल खोल के देख रही हूं और मैं सोच रही हूं कि ऐसे करने से हो रहा है, शायद मैं कुछ गलत कर रही हूं, नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक्चुअली में मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। वो सबका अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है और सबका वजाइना एरिया जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, आप सभी को पता है, तो लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, लेकिन मैं आपको आज वो बताने वाली हूं जो मैंने बहुत रियलाइज किया और बहुत सोच समझ के आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं मैं, ठीक है। तो इतना बड़ा साइज का मेंस्ट्रुअल कप आपकी बॉडी के अंदर जाना, इट्स मतलब बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी सोच रहे होंगे यार इतनी बड़ी चीज बॉडी के अंदर कैसे जाएगी, कैसे मतलब क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं आज वो बताती हूँ आपको। सिंपल कुछ नहीं करना होता है आपको, लोगों आपने जो आज तक वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे इसको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करने के लिए, वो वीडियो ये देखेंगे कि आप इसको यहां से दबाइए और इसको फिर ऐसे मोड़ लीजिए और ये आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, राइट, यही देखा है आपने। लेकिन आप फिर भी सोचिए कि इतना बड़ा और फिर ये साइज में भी मोटा होता हो जाएगा, तो ये क्या ऐसे सच में जाने में आपको मतलब कंफर्टेबल रहेगा? मेरे लिए तो नहीं था, मेरे लिए नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी चीज डालने में मैं मतलब होश उड़ गए थे मेरे, मतलब मैं बता रही हूँ जिगर हाथ में आ गया था मेरा, कुछ नहीं हो पा रहा था मेरे से, ये नहीं जा पा रहा था। फिर मैंने बहुत सोचा, मैं नहीं समझ पा रही थी कैसे करूं, बहुत चीजें ट्राई करी मैंने कैसे करूं, तो मैंने इसको किया क्या, जैसे हम पराठा रोल करते हैं ना, सेम इसको हमें वही करना है, इसको यहां से आप मोड़ना शुरू कीजिए इस तरीके से, और इसको मोड़ते आप एंड में यहां तक ले आइए। अब देखिए ये साइज छोटा है, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, जैसे कि और लोग आपको बताते हैं कि जस्ट इसको ऐसे इंसर्ट कर लीजिए, तो ये साइज छोटा है, इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो आप थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा बजाय के पहले, ठीक है। अब इसको आपको इंसर्ट करना कैसे है, ऐसे इंसर्ट करोगे तो ये कभी नहीं जाएगा,
कभी भी नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने वॉशरूम में अगर ये काम करें जाके तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है वॉशरूम ही ज्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। तो अगर आपके यहाँ इंग्लिश टॉयलेट है तो आप अपने अपने पॉट के ऊपर अपने एक पैर को रखें लाइक ऐसे, जैसे मैंने अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये इस तरीके से अपने पॉट के ऊपर आपको अपने पैर को एक पैर को रखना है और दूसरा पैर जो है आपका नीचे जमीन में ही रहेगा और उसके बाद इसको आपको अपनी बॉडी में इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद ये अंदर जाके मैक्सिमम टाइम मेरे साथ जो हुआ है वो खुलता नहीं है। कोई भी आप मेंस्ट्रुअल कप ले लें वो अंदर जाने के बाद जल्दी खुलता नहीं है, या कभी भी कभी बहुत जल्दी खुल जाता है लेकिन हर टाइम नहीं खुलता है। मैंने ये देखा है, मैंने अगर इसे 4 बार यूज किया तो शायद 3 बार नहीं खुला है, एक बार खुल गया है। तो इसको करना क्या है, आपको इसको यहां से नीचे की साइड से, जब इसे आप ऊपर से छोड़ देंगे तो नीचे की साइड से इसको थोड़ा सा इसको शेक ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो ये ऊपर जाके फिर खुल जाता है। ये चीज बहुत अच्छी है इसकी। इसको यूज करने के बाद आपको, अगर आपको पी करना है, फाट आ रहा है, लूज मोशंस हुए हैं, कुछ भी हुआ है आपको, ये आपका इंसर्ट का इंसर्ट रहता है, ये निकलता नहीं है। आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं वॉशरूम यूज करने जा रही हूं और मैं पी कर रही हूं और ये साथ में बाहर आ गया तो ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है ना, आपका ये जहां इंसर्ट होता है वो एरिया और जहां से आप पी पी पा पू करते हैं वो एरिया, वो टोटली डिफरेंट होता है, तो उससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेंस्ट्रुअल कप लगा के आप रात में सो सकते हैं और आप अगर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं तो ये लीक हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इवन आप इसको यूज करने के बाद ऑफिस जिम करने के लिए, योगा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये लीक नहीं होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि भर जाएगा ये, जब ये भर जाएगा तो आपको आपके अंदर से ये फील ऐसा लगता है बार बार, मतलब बहुत भारीपन लगने लग जाता है धीरे धीरे, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका भर चुका है, इसको आपको अब रिमूव कर देना चाहिए। इसको आप 12 घंटे तक के लिए अपने अंदर यूज कर सकते हैं, इंसर्ट करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेफिनेटली 12 घंटे, मैं टाइम के हिसाब से नहीं बोल सकती हूँ ना, क्योंकि अपना अपना फ्लो होता है सबका, किसी को बहुत ज्यादा फ्लो होता है, किसी का बहुत धीरे होता है, तो जिनका धीरे होता है वो 12 घंटे तक, 10-11-12 घंटे तक यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनका फ्लो ज्यादा होता है तो वो इसे 6-7 घंटे में एक बार रिमूव करके और इसको दोबारा से ब्लड को फेंक के इसको अच्छे से वॉश करके एंड उसे फिर दोबारा से अपने अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और जब आपका मेंस्ट्रुअल कप आपको फील होता है कि हाँ अब ये मेरा मेंस्ट्रुअल कप भर चुका है, तो इसको आप वॉशरूम में जाके अगर आप रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के लिए सबसे आसान और अच्छी चीज दी गई है, इसके नीचे जो ये आपको देख रहे हो ना, ये स्टैम्प जैसा कुछ है, ये आपको यहां से पकड़ना होता है इसको और इसको पकड़ के खींच के बाहर निकाल देना होता है। जब तक आप इसे खींच के बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये नहीं निकलता है, और जब आप खींचेंगे तो डेफिनेटली यार ब्लड थोड़ा सा यहाँ वहां काफी जगह गिरता है, तो वो अगर आप वॉशरूम में जाके करते हैं तो तभी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, क्योंकि ब्लड जब आप इसे निकालते हैं तो निकलता है, गिरता है। मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपके नेल्स छोटे होने चाहिए, अगर छोटे नहीं हैं, मेरी तरह लंबे हैं, तो आपको यहाँ पे किसी ग्लव्स का यूज करना चाहिए। अगर आप ग्लव यूज नहीं करते हैं डेफिनेटली वो ब्लड आपके नेल्स में जाएगा आप, और ये नेल्स आपके वजाइनल के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और आप जब अगर इसमें फंसा रह गया तो वो आपके बॉडी के अंदर क्या नुकसान करेगा वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए या तो नेल्स छोटे रखो या तो फिर आप ग्लव्स का यूज करो, ग्लव्स यूज करो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मेंस्ट्रुअल कप को जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया था ना, तो मुझे ऐसे दिन में तारे दिख रहे थे, मीन्स लाइक डर, दर्द, एवरीथिंग, सब कुछ था मुझे, और वो एक्सपीरियंस शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। बट आज के टाइम पे मुझे मेंस्ट्रुअल कप अगर छोड़ना पड़े तो शायद मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बिल्कुल इसकी यूज टू हो गई हूँ और मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत पसंद आया है। इसे आप रीयूज करते रहते हैं, हर महीने रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताती हूँ, अगर आपने इसे यूज किया है तो यूज करने के बाद इसको आपको वॉश करना है, नॉर्मल वॉश मत करिएगा, या फिर गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी करके अपना कोई भी एक बर्तन या बाउल कुछ भी ले लीजिए और उसको सिर्फ इसी को स्टरलाइज करने के लिए यूज करिए। जैसे हम बच्चों की मिल्क की बोतल को स्टरलाइज करते हैं ना कि उसके अंदर के बैक्टीरिया खत्म हो जाएं, उसी तरीके से हमें इसको भी स्टरलाइज करना है, इसको गर्म पानी में
थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद छोड़ने के बाद इसको हल्के से कोई भी इंटीमेट वॉश लीजिए, वो इसमें डालिए और उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो इसे आप वॉश करके फिर इसको रख सकते हैं, और नेक्स्ट मंथ जब आपको दोबारा पीरियड हो तो आप इसे फिर इसी को यूज कर सकते हैं। जो एवर्टिक का मेंस्ट्रुअल कप है ये मेडिकल ग्रेड एंड सिलिकॉन से बनाया गया है, जो कि आपके लिए 100% सेफ है यूज करने के लिए। तो इसको यूज करने से पहले आपको दो बार भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा मेंस्ट्रुअल कप के लिए एक वीडियो, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस था, मैं जिसके लिए बिल्कुल तड़प रही थी कि मैं कब आपके साथ शेयर करूंगी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड होपफुली कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो ये सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ शायद डरपोक कोई हो, तो जब मैं यूज कर सकती हूँ तो आप भी यूज कर सकते हैं। एंड गर्ल्स, ये टाइम है चेंज होने का। आज की आज, अभी के अभी आप सैनिटरी पैड्स को बाय बाय बोल सकते हैं। एक मेंस्ट्रुअल कप लेके एक एटलीस्ट एक ट्राई तो देना चाहिए ना, एक ट्राई दीजिए एंड देन फिर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप एक्सपीरियंस कैसा रहा मेंस्ट्रुअल कप के साथ। अगर अच्छा रहा तो प्लीज गिव मी अ लाइक इस वीडियो के नीचे, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, डू सब्सक्राइब सोनिया तिवारी। मैं मिलूंगी आपको एक और नए एपिसोड, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।